जोरदार अभिनंदन हमारे भाई कैलाश का और कबीर का भी है। अभी हम भजन ही सुना रहे थे, मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में वो सुख काहे अमीरी में। हाँ। और भला बुरा सबका सुन लीजिए, तो दुनिया ऐसी बोलती रहेगी, इसकी परवाह मत करना है। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में गरीबी अमीरी जो है उसमें मस्त रहो ना, दो वक्त की खाने की रोटी तो चींटी को भी मिल जाती है, कण भर चींटी को और मन भर हाथी को सबको मिल जाता है, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, कर गुजरान गरीबी में। और ये सब रहते हुए भी मन का चारों दिशा जागीरी में, मन का सारी धरती ये कायनात मेरे भगवान की है, और तू सुना दे बाकी जो तेरे को आता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और हम भी इसका अभिनंदन करते हैं पूरे पतंजलि योगपीठ की ओर से। हमारा बहुत प्यारा है, लाडला है कैलाश है, ये मतलब गाता ही गाता नहीं है, उसने पूरा जीता भी है, पूरे आनंद में है। हमारे महाराज जी जो हैं वो राजाओं के राजा हैं, महाराजाओं के महाराजा हैं, और मैं साहब को मात्र एक योग के अवधूत मानता नहीं हूं, ये पुरुषत्व के अवधूत हैं, इनको मैं शिवरूप मानता हूं। इनकी जो कांति है, इनकी जो ऊर्जा है, वो किसी देवादिदेव से कम नहीं है। इनके जीवन का, रहन सहन का, जीवन शैली का आप प्रारूप देखिए, सरलता की प्रतिमूर्ति हैं हमारे स्वामी जी महाराज। और मैं इनको अवतरण मानता हूं, ये अवतरण है, हमने इनके बारे में गाना भी लिखा है। संसार परमात्माओं पर, जिंदगियों पर शोध कर रहा है, साइंस पर, विज्ञान पर शोध कर रहा है, मैं इन पर शोध करता हूं और किसी को बताता भी नहीं, आता भी कभी कभार हूं जब ये बुलाते हैं, वरना तो समझ लीजिए कोई काहे में मगन, कोई काहे में मगन, ये हमारे एकलव्य हैं पक्के। हाँ। तो इस तरह की आत्मा है हमारे स्वामी जी, और आप सब जो हैं हमारे गण हैं साहब के, इसलिए आपको बारंबार नमन है। बाकायदे म्यूजिक भी है, दिल जीत लिया। सतयुग द्वापर त्रेता के बाद आया एक युग अवतारी, सतयुग द्वापर त्रेता के बाद आया एक युग अवतारी, काल प्रवर्तक योग प्रतापी एक आयुर्वेदाचारी, हो बल प्रचंड वो मेरुदंड मन का भोला भंडारी, स्वामी रामदेव से जिसको जाने दुनिया सारी। ये तो आज का युग है जो जान रहा है, वरना ऐसी जो आत्माएं विभूतियां होती हैं ये युगों युगों से अवतरित होती हैं, क्योंकि पृथ्वी का उद्धारण एक युग में होता नहीं। परमात्मा खुद बुलाते हैं कि बच्चों मैंने बना दिया, लेकिन तुम जरा जी के दिखाओ, मैंने सारी ताकतें तो तुमको दे दी, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है ये मंत्र जरा करो मेरे बच्चों, तुम बहुत बोल रहे हो, बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो। तो ऐसे अवधूतों का आना पृथ्वी पर परम अनिवार्य हो जाता है। इन्होंने जीवन कैसे जीना है ये सिखाया है, और इनके नाम मैं जितना गाऊं, जिंदगी भर जितना गाऊं, उतना ही कम है। मैं आपको बताता हूं, सुबह सुबह कभी हम उठते नहीं, ये इन्हीं की माया है कि यहां तैयार होके आया है। ये चार बजे तो सोता है, तो उठेगा कैसे? और उसके बाद भी गला भी चल रहा है, ये सब इन्हीं का जादू है, वरना सुबह उठ के तो गला ऐसा रहता है, अरे यार कोई दिखो मत अभी। आप सब हमारी बहनें हैं, और देव प्रिया भी हमारी बहन है, उनसे परिचय गुरुजी ने करा चुके हैं हमसे एयरपोर्ट पर,
परमात्मा ने एक दिन एक घंटे फ्लाइट डिले कर दी तो उतनी देर सत्संग हुआ को, इतना सत्संग हुआ कि स्वामी जी को तो हमने थोड़ा ध्यानस्थ भी देखा कि चलो आप तो थोड़ा ध्यानस्थ हो जाओ। और पूज्य आचार्य जी अभी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मंच पर पूरी दुनिया की जो 10 ताकतवर लोग जो हेल्थ सेक्टर में जिनका अप्रतिम योगदान है, सर्वश्रेष्ठ योगदान है, उनको सम्मानित किया, तो उनके आने पर उनको उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए हमारे कैलाश भाई आए, उनसे बहुत प्रेम करते पूज्य आचार्य जी से। हमारे भाई कैलाश खैर जी ये उस कैलाश के ही प्रतिरूप हैं, शिवरूप हैं, ये भी ज्योति स्वरूप है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इनका। और रात को बहुत देर से आए, मैंने आज भी पता लगाया ये 12-1 बजे ही सोए हैं, लेकिन फिर भी भोर में उठ के आ गए आपके योग के निनाद को सुन करके। हाँ पूज्य आचार्य बालकिशन जी महाराज के श्री चरणों में नमन करने के लिए मुझे कल ही आना था, लेकिन इनकी यहाँ माया है, ये खंड, ये देव भूमि ही देवताओं ने रोक रखा है। ऐसे 3 तल हैं, चौथा ये 1 तल है जिसको इन्होंने दिव्य तल बनाकर रखा है देव भूमि। मैं आपके लिए हमारे महाराज जी के चरणों में एक बात करता हूं आज। गुरु जी मैं तो एक निरंजन ध्यान जी जाऊं जी गुरु जी मैं तो एक निरंजन जाऊं जी दूजे के संग नहीं जाऊं जी गंगा न जाऊं जी, जमुना न जाऊं जी, गंगा न जाऊं जी, जमुना न जाऊं जी, मना कोई तीर्थ नाऊं जी, मना कोई तीर्थ नाऊं जी, कैलाश खैर, कैलाश खैर शिव कैलाशपति है, ये भी 24 घंटे समाधि में रहता है, सहज समाधि। दुख ना जानू जी, दर्द ना जानू जी, दुख ना जानू जी, दर्द जी, सतगुरु वैद
अरे लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे गुरु भैया भोगारो माटी रंगाओ चौक पुरा